अलवर के बानसूर में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां श्रम मंत्री टीकाराम जुगली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार को किसान विरोधी बिल वापस लेने चाहिए। वहीं किसान विरोधी बिल को लेकर विधायक शकुंतला रावत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शाजापुर बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान चेयरमैन बीना गुप्ता, नवनिर्वाचित सरपंच सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार ये बताए कि वो स्टॉक पे क्यों प्रतिबंध हटाना चाहती है, कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टॉक करे ये क्यों करना चाहती है, एमएसपी क्यों नहीं देना चाहती है, एमएसपी की खरीद क्यों नहीं करना चाहती है, एफसीआई और मंडियों को क्यों ख़त्म करना चाहती है, ये चीज़ें केंद्र सरकार को बतानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी, किस प्रकार बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से किसान अपनी ज़मीनों को छुड़ा पाएगा, क्यों किसानों की जो अपील थी जो अब तक कृषि उपज मंडी के अंदर होती थी उसको कृषि उपज मंडी से हटा के एसडीएम कलेक्टर या हाईकोर्ट में करना चाहती है।